कोनी चोटकूस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं जॉबलेस री इनकर्नेशन के बारे में, जिसका आज हम एपिसोड नंबर 3 और 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चले एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हमें रूडी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर की बात याद करता है, और फिर वो बाहर जाने की बात करते हैं अपने मॉम एंड डैडी से कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फिर उसका पापा उसे जाने देता है और उसे रास्ते पर छोड़ देता है कि तुम अब जा सकते हो। फिर रूडी रास्ते से जाने लगता है एंड आसपास के जो लोग हैं उनके साथ वो हाय हेलो करता है, और ये वो पहले नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ही नर्वस फील करता था और बहुत ही डरता था। मगर रॉक्सी सान ने उसका ये डर निकाल दिया था मन से, और अब वो फ्रीली सबसे बात कर सकता है। फिर उसने देखा रास्ते पर एक डिमन ह्यूमन गर्ल को, जो कि ह्यूमन है मगर उसके अंदर थोड़ा डिमन का कोई फॉर्म है, या आप कह सकते हैं मिक्सर है, डिमन एंड ह्यूमन मिक्सर है। इन लोगों को बुले किया जाता है, यानी कि इन लोगों को चिराया जाता है, इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किया जाता है। तो तीन लड़के मिलकर उसे बुले कर रहा होता है और बहुत ही शरारत कर रहा होता है उस बंदी के साथ, डिमन बंदी कह सकते हैं, डिमन ह्यूमन। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उन तीनों लड़कों को मारकर भगा देता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है ये कोई लड़की नहीं, ये एक लड़का है, मगर ये बंदी एक लड़की है। फिर इन दोनों में बातें होती है और हमारा मेन कैरेक्टर इससे बहुत ही घुल मिल जाता है और बहुत सारे बातें करते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर इसे अपने घर में पहुँचा देता है, और इसी बीच में उन लोगों के बीच में बहुत ही बातें होती है जिससे उन लोगों का जो फ्रेंडशिप है वो तगड़ा हो जाता है। एंड उस गर्ल का नाम था, यानी कि डिमन ह्यूमन जो गर्ल है उसका नाम था शिल्फ, SYLPH, शिल्फ कह सकते हैं आप लोग। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर जब अपने घर पहुंचता है, वहां पर उसका बाप खड़ा हुआ होता है जिसका नाम है पॉल, तो उसके साथ थोड़ी बातें होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सुबह जो तीन लड़कों को मारा था ह्यूमन गर्ल को जो बचाने के लिए, यानी कि सिल्फ को बचाने के लिए, उनकी मॉम यहाँ पर आके रूडस के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बात कही, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर का बाप हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत ही बड़ा है, उसका ब्रेन जो है वो बहुत ही बड़ा टाइप का है, तो वो बहुत ही आसानी से ये मैटर संभाल लेता है, अपने इंटेलिजेंस दिखाता है यहाँ पर, और बहुत ही आसानी से सब कुछ संभाल लेता है और उसके बाप को समझाता है क्या हुआ। मगर यहाँ पर समझाने से पहले उसके बाप ने उसे थप्पड़ मार दिया था, जिसके कारण उसका बाप भी बहुत ही सैड था। मगर फिर उसका बाप समझ में आ गया क्या क्या हुआ वहाँ पर और किस लिए उसके बेटे ने ऐसा किया, फिर उसने बहुत ही सैड फील किया। फिर हमें दिखाया जाता है अगले ही दिन सिल्फ एंड हमारा मेन कैरेक्टर रूडी एक साथ खेल रहे थे, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और जो सिल्फ है वो बहुत ही अच्छे मैजिक भी सीख गया है। फिर वहाँ पर बारिश होना शुरू हो गए और रूडी एंड सिल्फ दोनों भीग गए हैं, और इसके कारण रूडी उसको अपने घर में लेके बात करने के लिए आया है, यानी कि नहाने के लिए यहाँ पर लाए है, और दोनों नहाने के लिए घुसते हैं। मगर रूडी तो ये नहीं जानता कि सिल्फ एक लड़की है, लड़का नहीं, तो उसको वो अपने साथ में ले आता है बाथ टॉप पर, और वहाँ पर एक घटना घट जाती है जब हमारा मेन कैरेक्टर रूडी देखता है सिर्फ एक लड़का नहीं एक लड़की है, और वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाती है। और फिर हमारा जो सिल्फ है वो रोना शुरू कर देता है, और उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर का बाप पॉल आ जाता है और सब कुछ संभाल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है रूडी अपने बाप के साथ नहाता है और बहुत सारे बातें करती है और अपना मिस्टेक जो है वो समझता है। फिर हमें दिखाया जाता है सबका नहाना ख़त्म हो गया, और जब नहा के हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है तब देखता है हमारा सेल्फ जो है वो रो रहा होता है। फिर हमारा जो रूडी है यानी कि मेन कैरेक्टर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा था कि तुम एक लड़की नहीं लड़का हो, तो मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर सेल्फ जो है वो और भी रोना शुरू कर दिया। उसके अगले ही दिन में हमें दिखाया जाता है कि
हमारा मेन कैरेक्टर और उसका बाप पॉल शॉर्ट फाइट कर रहा होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट फाइटिंग सीखता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का बाप जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को सिखाता है कैसे सिल्स को मनाया जाए। फिर उन दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो गया, हमारा मेन कैरेक्टर एंड सिल्स जो है दोनों फिर से दोस्त हो गए और यहाँ पर एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हो गया। तो अब चलते हैं एपिसोड नंबर 4 पर। और गाइस एपिसोड नंबर 4 पर इतना बड़ा एक मैं क्या कहूँ घटना घट जाती है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका बाप इतना बड़ा स्कम है, मैं क्या बताऊँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के दिन हमारा मेन कैरेक्टर का जो माँ है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उन लोगों को घर में एक नया मेहमान आने वाला है तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर जब वो लोग सुबह खाना खाना शुरू कर देता है तब उन लोगों का जो मेड है वो भी कहता है मुझे लगता है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो इस मेड का बच्चे का बाप कौन है, ये सवाल सबके मन में आ जाता है। और सोचो कौन होगा, और कोई नहीं पॉल, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर का बाप उनके घर का मेड के बच्चे का बाप हो गया। कितना बड़ा स्कैम है। फिर पॉल जो है वो माफ़ी मांगना शुरू कर देता है मगर हमारे मेन कैरेक्टर का जो माँ है जेनी वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और क्या हो सकता है, सब लोग डिप्रेशन में चले गए, ये क्या हो गया, ये फैमिली है या और कुछ। फिर जो मेड था वो कहता है ये सब मेरी गलती है, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। मगर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही समझदार है क्योंकि उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा बड़ा है इस फैमिली में। वो शरीर से छोटा है मगर उसका दिमाग बहुत ही बड़ा है, ये आपको पता ही होगा। तो उसने सब कुछ संभाल लिया, वो उसके मॉम के पास गया एंड कहा ये कि मॉम यहाँ पर तो मेड का तो कोई गलती नहीं है, उसने तो कुछ नहीं किया, ये सब गलती तो हम मेरी पापा की है, पापा ने ये सब किया है तो पापा को सज़ा मिलनी चाहिए, आप मेड को क्यों सज़ा दे रहे हो। फिर सब कुछ ठीक हो गया, जेनी माफ़ कर देता है उसके पति को और मेड को अपने साथ रखने की डिसीजन लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेड जो है उसकी भी एक बच्ची हो जाती है क्यूट सा एंड हमारे जेनी यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर का माँ का भी एक बच्चा हो जाता है, दोनों की बच्ची होती है, दोनों ही गर्ल है, बहुत ही क्यूट है दोनों ही। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसका दो नई बहन आ जाती है। फिर जो सर्वेंट थी यानी कि मेड वो बहुत ही अच्छा फील करना शुरू कर दिया रूडी के बारे में कि मैंने इस लड़के को कुछ और ही सोचा था मगर ये तो कुछ और ही निकली, इसने मुझे बचाया था, मेरी ही गलती थी मगर इसने सब कुछ ठीक कर लिया, ये इतना छोटा है मगर सब कुछ ठीक कर लिया और मुझे भी बचा लिया और फैमिली को भी टूटने से बचाया, सब कुछ ठीक हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है रूडी अपने पापा के साथ शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर रूडी जो है वो बहुत ही सेवज है, वो अपने पापा को चिराता है जो सब काम किया है उसके पापा ने, उसके बारे में वो चिराता है अपने पापा को और बहुत कुछ कहता है अपने पापा को, यानी कि मस्ती कर रहा होता है, छोटा है तो नखट हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है सेल्फ्स के साथ हमारा मेन कैरेक्टर रूडी खेलने जाता है और वो दोनों बहुत ही अच्छा मैजिक सीख गए हैं और हमारा रूडी तो बहुत ही ज़्यादा मैजिक जानता है। तो रूडी कहता है लगता है मेरा शॉर्ट स्किल इतना अच्छा नहीं है, ये मेरा साल भी बार चुका है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। तो वो कुछ बाहर जाने की बात कर रहा है, उसके बातों से यह पता चलता है वो बाहर की दुनिया में जाएगा और बहुत सारे स्किल्स अचीव करेगा। मगर ये सुनते ही जो सेल्फ्स है वो रो देती है और रूडी के ऊपर आ जाती है और कहती है मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ तुम ही मेरा फ्रेंड हो, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ तुम। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसे मना लेती है कि मैं कहीं पर नहीं जा रहा। फिर हमें घर में दिखाया जाता है रूडी के घर में और वहाँ पर दिखाया जाता है रूडी जो है वो बहुत ही हॉर्नी मूड में है, सेल्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसी समय उसका पापा आ जाता है और वो उसका पापा यहाँ पर आते ही वो ठीक हो जाता है और उसका पापा उसे चिराता है। फिर हमें दिखाया जाता है रॉक्सी ने एक मैसेज दिया है रूडी को जो चिट्ठी पढ़कर रॉक्सी पढ़ता है और सुनता है कि रॉक्सी जो है वो एक किंगडम में है जहाँ पर एक प्रिंस को ट्रेनिंग दे रहा होता है जो कि बहुत ही नखट है रूडी की तरह ही।
फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो रूडी है वो खाने के समय अपने बाप से पूछता है, मेरी एक विश है आप क्या पूरी करेंगे? फिर उसकी मॉम कहती है तुम बोलो तुम्हारे पापा ये पूरी करेंगे। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि मैं एक मैजिक स्कूल पर जाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे साथ स्लाइफ भी आएगी, तो आपको हम दोनों का खर्चा उठाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। तो उसका पापा डिक्लाइन कर देता है और कहता है मैं सिर्फ एक का खर्चा दे सकता हूँ, दोनों का नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फिर मुझे एक जॉब दे दो, यानी कि मुझे एक जॉब फाइंड करने में हेल्प करो, मैं खुद से ही पैसे कमा कर ये सब करूँगा। रात ख़त्म हो जाती है, फिर सुबह दिखाया जाता है वो लोग शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके पापा और रूडी। और फिर वहाँ पर एक नई कैरेक्टर आ जाती है जिसका नाम है ग्लेने, और वो एक बीस्ट है, यानी कि वो भी एक डीमन ह्यूमन है। तो उसके साथ पॉल का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है पॉल अपने बच्चे को, यानी कि पॉल रूडी को अपने शॉर्ट के साथ मारता है और उसे बेहोश बनाकर उस बंदी के साथ यानि कि गिलेने के साथ भेज देता है एक गाड़ी में और उसे एक नई जगह पहुंचा देता है। गाइस यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। और गाइस मुझे लगता है आपको मेरे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं रिकॉर्ड करूँ या वीडियो एडिट करूँ, सब कुछ अच्छे से करूँ, तो मैं गरीब हूँ यार। तो भाई माफ़ कर दो अगर मैंने कोई गलती कर दिया हो, और प्लीज़ लाइक करके मेरे साथ रहो और कीप कनेक्टेड के लिए आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और उसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सही होना आ रहा।